दोस्तों आदाब, पसमंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं मंडी से, चश्मों की वादी मंडी, जहां पे पानी की कमी नहीं है लेकिन वहां पे तहसील हेडक्वार्टर पे कम्प्लेक्स में पानी नहीं है और हमारे ऑफिसर जो है वहां पे प्यासे हैं और जो एम्प्लाइज हैं उन्हें भी पानी नहीं मिल रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी तहसील हेडक्वार्टर का जो कम्प्लेक्स है उसका दिखाते हैं कि वहाँ से इस वक्त वहाँ पे क्या हाल है। और पिछले एक महीने से बताया जा रहा है वहाँ पे पानी नहीं है। हमारे नुमाइंदे रियाज मलिक ने वहाँ का पूरा जायजा लिया, एक रिपोर्ट। ZDO ऑफिस मंडी जी, क्या मुश्किल है? यहाँ कब से पानी नहीं आ रहा? यहाँ तो तकरीबन एक महीना हो गया है पानी का। पानी कोई यहाँ लाइन में कोई नहीं आया? कोई नहीं आया इसने कोई। एक माह से पानी कॉम्प्लेक्स तहसील ऑफिस मंडी में नहीं है। महकमे को भी बार दो तीन बार कहा है लेकिन उन्होंने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ, हर ऑफिस में पानी की जरूरत होती है लेकिन पानी आया नहीं है। हाँ, दो चार बार कहा है हमारे तहसीलदार साहब ने, किसी ने कोई कोई तवज्जो नहीं दी है। अब यही कहते हैं कि महकमे को इसकी तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए, पानी की सप्लाई जारी करनी चाहिए। पानी नहीं है कम्प्लेक्स में। इधर ICDS का ये दफ्तर है, यहाँ ज्यादा काम आंगनवाड़ी वर्करों का है, औरतों का काम है। यहाँ जो हम स्टाफ मेंबर यहाँ रहते हैं, इधर नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन पीने के लिए पानी भी नहीं है। 12 दिन हमारा ये ECC का ट्रेनर चल रही थी इधर, तो हमने वो पाइप चश्मा तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है वहां से पानी भरकर हमने ECC के 12 दिन उन लोगों को खाना खिलाया, आंगनवाड़ी वर्करों को कैंप चलाया बड़ी मुश्किल के साथ। पानी पीने के लिए नहीं है, बाथरूम में जाने के लिए नहीं है, बहुत मुश्किलात आ रही हैं पानी की। हमने बार बार इधर कम्प्लेक्स वालों को भी बोला, सिद्धार्थ साहब को बोला लेकिन हमारी मांगों को किसी ने नहीं देखा ना सुना कुछ नहीं। मंडी में तहसील कम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने कॉफर कट्ठा जो एरिया है वहां से पानी आराम से लगाया जा सकता है और मंडी में एक खूबसूरत बेहतरीन शफाफ पानी वहां से बहता है। अगर उस पानी से भी मोटर अगर लगा के तो तहसील कम्प्लेक्स को पानी दिया जाए लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ये हो सकता है लेकिन करे कौन। तहसील कम्प्लेक्स मंडी में गुज़श्ता एक माह से पानी की शदीद किल्लत है जिसकी वजह से तहसील में इंतज़ामिया सख्त परेशान है, जबकि जो लाइन मंडी टॉप से तहसील कॉम्प्लेक्स और दीगर मोहल्लाजात में आ रही थी उसका चश्मा बिल्कुल सूख गया है लेकिन इसके बरक्स मंडी तहसील कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने काफर कट्ठा जहां पानी इस तहसील कॉम्प्लेक्स में अभी भी दस्तयाब हो सकता है, महकमा PHE अगर इसमें दिलचस्पी ले। पानी की कमी है ज़बरदस्त, पानी नहीं है इस तहसील के अंदर क्योंकि यहाँ पर अब बैठते हैं CDPO भी बैठता है, यहाँ TSO साहब भी बैठते हैं, यहाँ पर पंचायत BDO साहब भी बैठते हैं, यहाँ पर सब अफिसर ZDO साहब भी बैठते हैं। से बंदोबस्त किया जाए क्योंकि तहसील के अंदर पानी नहीं है, लिहाजा महकमे को भी हदायत करें कि भाई पानी क्यों नहीं है यहाँ पर। अफसोस की बात यह है कि आज हमारी जो सरकार है क्या वो इतनी कमजोर है, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमजोर है, क्या हमारे अफसर इतने कमजोर हैं? काफी सवाल यहाँ से उठते हैं और ऐसे सवालों की वजह से सरकारें बदनाम होती हैं और फिर लोग कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के एक्सियन पुंछ हैं उनसे हमने जानना चाहा कि इस मंडी के तहसील कम्प्लेक्स में पानी क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ लड़के हैं जो काफर कट्ठा एरिया जो सामने का जो चश्मा है वहाँ से पानी नहीं लगने देते, वो कुछ बता रहे हैं। लेकिन हमें दुख होता है ये खबर दिखाते हुए कि तहसील हेडक्वार्टर पर हमारे ऑफिसर्स जो वहाँ पर तहसील के लोगों के लिए काम करते हैं उनके लिए पानी भी वहाँ पर मुहैया नहीं है। डिप्टी कमिश्नर इसमें एक्शन करें। और ये खबरें बिल्कुल तलख जरूर हैं लेकिन ये खबरें बेहतर हैं, सच्ची हैं ये खबरें, लेकिन इन खबरों से वहां के जो लोग हैं और हमारे जो ऑफिसर हैं उनकी हौसला अफजाई होगी अगर उन्हें पानी मिलता है वहां पे। पसमंजर न्यूज आप तक ये सच इसी अंदाज से पहुंचाता रहेगा।
इस सरहदी ज़िला से। इसी के साथ दोस्तों आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जो हमारे नए जो लोग हमें व्यू कर रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसमंज़र न्यूज़ आप तक हकीकत की खबरें पहुँचाता है और एक बोल्ड जर्नलिज्म के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।